आजादी, हर पुराण को दे दी आजादी, हर मन्नाट को दे दी आजादी, हर कसाब को दे दी आजादी, हम उसे देख के रहेंगे आजादी, हर चामिया से देख के रहेंगे आजादी, हर चामिया से देख के रहेंगे आजादी, जानियों से देख के रहेंगे आजादी, नक्सलवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, नक्सलवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, नक्सलवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जेएनयू की गलियां सूनी है, बामपंथी खूनी है, जेएनयू की गलियां सूनी है, बामपंथी खूनी है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजादी जामिया को देंगे आजादी, जेएनयू को देंगे आजादी, रात में बट रही आजादी, अरे ले लो भैया आजादी, रात में बट रही आजादी, हम देख के रहेंगे आजादी, हम देख के रहेंगे आजादी, मन्नान को दे दी आजादी, आजादी, पीछे बोलो भैया, पीछे बोलो, नहीं नहीं पीछे आओ, पीछे आओ भैया, बस बस। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो 5 जनवरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार से वामपंथी संगठनों के द्वारा अराजकता का माहौल पैदा किया गया था और आम छात्रों से मारपीट की गई थी, उसको विद्यार्थी परिषद ने 6 जनवरी को ही कह दिया था कि जल्द ही नकाबपोश के रूप में जो गुंडे जिन गुंडों के द्वारा वामपंथी गुंडों के द्वारा अराजकता का माहौल फैलाया गया जल्द ही वो पर्दाफाश होगा। और कल विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो मांग उठाई गई थी, कल दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से उन वामपंथी नकाबपोशी गुंडों का जो नेतृत्व करने वाली थी केंद्रीय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष आयशा घोष सीधे सीधे दिखाई दे रही है, और आयशा घोष के साथ साथ ऐसे अन्य 8 आरोपियों को जो कि वामपंथी संगठनों से कहीं ना कहीं संलिप्त हैं उनके पदाधिकारी हैं, ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको चिन्हित किया गया। विद्यार्थी परिषद के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया जिसके माध्यम से ऐसे अराजकता फैलाने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर वामपंथी छात्र संगठनों को तत्काल प्रभाव से उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, और विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार से चाहे वो जामिया हो, एमयू हो और जेएनयू हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, इनके अंदर जिस प्रकार से अगर आप लोगों ने देखा होगा लगभग 1 महीने के अंदर अराजकता का माहौल फैला हुआ है, पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं है, यानी कि उस विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कैंपस के अंदर शिक्षा का वातावरण बनाया जाए, ऐसी कई मांगों को लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति संबोधित हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ये इनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है जिसमें इन्होंने 5 जनवरी को देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय जेएनयू में हुई घटना के संबंध में ये दिया हुआ है, वो मैं इनका जहाँ है वहाँ पहुँचवा देंगे।